दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन स्मार्टफोन के बारे में जिनको नए A40 अपडेट्स मिले इंडिया के अंदर। तो सैमसंग का कौन कौन सा स्मार्टफोन है, कितने एमबी की फाइल है, कौन से महीने का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो नीचे आ रहे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सैमसंग के डिवाइस के अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट मिला है सैमसंग का गैलेक्सी जी फोल्ड 5 के लिए, जिसके अंदर सैमसंग ने वन यूआई बीटा का सॉफ्टवेयर फिर से एक बार रोल आउट किया है, जो कि 5th बीटा जो है अपडेट रोल आउट किया है सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 5 के लिए। तो जो भी यहाँ पे सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 5 स्मार्टफोन यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर में जाकर इस बीटा अपडेट को अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। अगले स्मार्टफोन के अपडेट के बारे में बात करते हैं तो अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 5 के लिए। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के लिए सैमसंग ने वन यूआई 6.0 का बीटा अपडेट लॉट किया है। इसके अंदर जो है बीटा 3 अपडेट मिला है और जो है फोल्ड के अंदर बीटा 5 का अपडेट मिला है। तो जो भी यहाँ पे सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 5 स्मार्टफोन यूज करते हैं तो इसके अंदर जो है वन यूआई 6.0 का जो है बीटा 3 अपडेट यहाँ पे मिल चुका है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर मैनुअली अपडेट कर लीजिएगा। अगर हम अपडेट की फाइल की साइज़ की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 653 MB की अपडेट की फाइल है, नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं लेटेस्ट, तो अपडेट कर लीजिएगा। अगले स्मार्टफोन के हम अपडेट के बारे में बात करते हैं तो अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा डिवाइस, जिसके लिए अभी सैमसंग ने वन UI 6.0 एंड्रॉयड 14 का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट जो है सैमसंग की तरफ से जो है रोल आउट करा दिया गया है। अगर हम इसकी अपडेट फाइल की अगर बात करते हैं तो इसकी अपडेट की फाइल लगभग यहाँ पे 3 GB के आसपास की अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके अंदर हम जो है इंप्रूवमेंट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया है और जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है, तो अपडेट कर लीजिएगा जो भी यहाँ पे सैमसंग का S23 अल्ट्रा फ्लेक्सी डिवाइस यूज करते हैं। तो अगले स्मार्टफोन के हम अपडेट के बारे में बात करते हैं तो अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्मार्टफोन, इसके लिए भी सैमसंग ने 3rd बीटा 1UI 6.0 एंड्रॉयड 14 का सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रोल आउट करा दिया है इंडिया के अंदर। अगर हम इसकी अपडेट की फाइल की साइज की हम बात करते हैं तो इसकी अपडेट की फाइल की साइज है लगभग 704 MB के आसपास की, 704 MB की अपडेट की फाइल है। इसके अंदर जो है आई थिंक अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे इस अपडेट को अपडेट नहीं किए अपने सैमसंग के F23 5G स्मार्टफोन के अंदर तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइए, मैनुअली इस अपडेट को अपडेट कर लीजिएगा। अगले स्मार्टफोन के हम अपडेट के बारे में बात करते हैं तो अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्मार्टफोन, जिसके लिए भी सैमसंग ने यहाँ पे एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करा है इंडिया के अंदर। अगर हम इसकी अपडेट की फाइल की अगर बात करते हैं तो इसकी अपडेट की फाइल लगभग 223 MB के आसपास की, यानी इस स्मार्टफोन के अंदर जो है 223 MB की अपडेट की फाइल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो है अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है और इसके अंदर हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट के बारे में तो इसके अंदर जो है डिवाइस के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, डिवाइस के सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग को फिक्स किया गया है, नए पुराने फीचर को इम्प्रूव किया गया है और इसके अंदर जो है सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव किया गया है, जो कि इसके अंदर आपको जो है अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग साथ शेयर करनी थी, यही थे कुछ सैमसंग के डिवाइस जो कि नए सॉफ्टवेयर अपडेट मिले हैं इंडिया के अंदर। तो अभी तक इन सभी डिवाइस को अपडेट नहीं किए हैं जो भी आप यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर मैनुअली अपना फ़ोन अपडेट कर लीजिएगा। बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।